एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम टीचर सरिता टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट नंबर टू स्टैंडर्ड टेंथ एंड दिस इज़ महाराष्ट्र बोर्ड एस एस सी ये सबके लिए है कोई भी बोर्ड या जनरल टॉपिक में भी आ सकता है दिस इज जनरल दिस तो ये मैसेज टाइप का है और ये एक यूसेज के रूप में आप इसको इंफॉर्मेशन के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं सो इन दिस पेज नंबर थर्टी सिक्स और ये है इन्वामेंटल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर फोर उसमें पेज नंबर थर्टी सिक्स में थिंक करके एक बॉक्स है उसमें एक क्वेश्चन के रूप में भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है या पैसेज छोटा सा पैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सबका आपको मालूम होना जरूरी है कि ये क्यों होता है सो वो क्वेश्चन है इफ़ फॉल एंड फ्लोएज इन फॉरेस्ट डेड ट्रीज काज इन एंड अराउंड विलेज़स हैड नॉट बीन डीकम्पोज फॉर मेनी ईयर्स आपके फॉरेस्ट में जो डेड प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं या हम लोग जो ह्यूमन बींग्स के वेस्ट हैं या एनिमल्स के जो वेस्ट हैं अगर गारबेज है वो अगर बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं हुआ ऐसा ही पड़ा रहा तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो ये सब चीज़ों को वेस्ट को डेड थिंग्स को वो माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह उसको खा के यानी कि वो पूरा फिनिश कर देते हैं और उसको उसको मिक्स कर देते हैं सॉइल में और बाकी का जो है इन्वामेंट में एक वेपर करके ऊपर चला जाता है और वही चीज़ दोबारा हमको फूड साइकिल ये इसमें काम आता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए अगर ये डिकम्पोज नहीं हुआ तो प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट मिलता है वो सॉयल से और जो एयर से तो प्लांट नहीं होंगे प्लांट नहीं होंगे तो वो प्रोड्यूसर्स हैं तो सारे के सारे जो एनिमल्स जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम हमको भी प्रॉब्लम होगा ह्यूमन बींग्स को तो इस ये पर्टिकुलर लाइंस का मालूम होना जरूरी है कि डिकम्पोजर्स जो हैं उसका क्या आप इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें डिकम्पोजिशन होना क्यों जरूरी है ओनली बाय द डिकम्पोजिशन द एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी सेंट बैक टू नेचर ये गार्बेज के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स है एलिमेंट है वो वापस नेचर में जाने चाहिए और वो डिकम्पोजर्स का काम है डिकम्पोजिशन करने के लिए दिस वेरियस कॉम्पोनेंट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल यही चीज़ है जो प्लांट और एनिमल को दोबारा वापस उनको न्यूट्रिएंट करने के लिए इफ दे आर नॉट सेंड बैक टू नेचर द साइक्लिक फ्लो ऑफ दिस एलिमेंट विल हॉल्ट अगर ये डिकम्पोजिशन नहीं हुआ डिकम्पोजर्स नहीं किया इसको तो ये साइक्लिक फ्लो हॉल्ट हो जाएगा रुक जाएगा और नेचर में नहीं जाएगा और फूड चेन फूड वेब सब डिस्ट्रॉय हो गया जाए पूरा इकोसिस्टम इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा ओनली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस फॉलिज इन डेड फॉरेस्ट डेड ट्रीज कासियस आ सेंट बैक टू नेचर ये सब इनकी वजह से ही नेचर में जाता है जो भी आपका गारबेज है डेड ट्रीज़ है ये सब डिकम्पोजिशन की वजह से ही वापस नेचर में जाता है और प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है चेन टाइप इफ सच डिकम्पोजिशन हॉल फॉर मेनी बहुत सालों से डिकम्पोजर्स नहीं हुआ डिकम्पोजर्स ने अपना काम नहीं किया तो क्या होगा द एंटायर अर्थ विल भी कवर्ड बाय हीप ऑफ़ अनवांटेड गारब्बेज पूरा कचरा जमा हो जाएगा बहुत सारा हीप मतलब बहुत माउंटेन जैसा जमा हो जाएगा बहुत सारा तो अगर डिकम्पोजिशन नहीं हुआ डिकम्पोजन अपना काम नहीं किया और साथ में क्या हो जाएगा द एंटायर बैलेंस ऑफ नेचर वुड बी लॉस्ट और पूरा का पूरा आपका फूड चेन फूड वेब इन्वायमेंटल बैलेंस इकोसिस्टम सब डिस्टर्ब होगा और ये सीधा हमारे ह्यूमन बींग्स को बहुत इफ़ेक्ट करेगा और साथ ही में बीमारियाँ भी फैल जाएगी आपको बहुत सी डेडली बीमारी भी हो सकती है तो आई थिंक uh, कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको नॉ नॉलेज के लिए भी और क्वेश्चन जो भी आता है उसके ऊपर भी आ सकता है सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो इफ यर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड देर इज ए बेल नोटिफिकेशन यू कैन प्रेस इट सो वेन एवर आई पुट न्यू वीडियोज़ यू विल गेट द नोटिफिकेशन इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट एंड इफ यू लाइक इट एनी थिंग कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स थैंक यू एंड टेक केयर बाय